वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 3 जुलाई को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। बता दें कि इस बार 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं इस बजट का मुख्य फोकस महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर है। मोहन सरकार स्वास्थ्य विभाग में 40,000 और शिक्षा विभाग में 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि यह विधानसभा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बिना टैक्स लगाए बजट का आकार बढ़ाना मध्य प्रदेश बड़ी सफलता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते कि अगर हमने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में बजट को दोगुना करेंगे तो जब बजट का आकार बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि प्रदेश का विकास होगा, सिर्फ विरोध के लड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने चर्चा में भाग लेना चाहिए और बजट पर चर्चा होनी चाहिए और बजट पारित होना चाहिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। विधानसभा के इतिहास में सबसे बड़ी धनराशि वाला ये बजट है। बिना टैक्स लगाए बजट के आकार को बढ़ाना, ये मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सफलता है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि हमने अगर लक्ष्य रखा है 5 साल में कि बजट दुगना करेंगे हम, तो जो बजट का आकार बढ़ेगा तो स्वाभाविक ही राज्य का भला होने वाला है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की जरूरत नहीं है, वो चर्चा में भाग ले, पर्याप्त समय है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रश्नकाल भी चले और बजट पर चर्चा हो और बजट खूब जितना उनको मर्जी में आए वो आंकड़ों के साथ में के भीतर आए, सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, तैयार है। और जो हमने नर्सिंग वाली चर्चा में बता दिया है कि अभी तक की सबसे लंबी चर्चा है ध्यान आकर्षण की जो मुझे जानकारी है, तो उसके आधार पर हम कभी चर्चा से भागने वाले लोग नहीं। विधान